गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त काम्या। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज के जो मैं ब्यूटी टिप्स लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा असर करती है, 100% नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं और एक के बाद एक फेस्टिवल आ रहे हैं। नवरात्रि से फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं और इसके बाद करवा चौथ आने वाला है, फिर दिवाली आने वाली है, तो बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। और अगर आप कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं तो भी आप इस फेस पैक को यूज कर सकते हैं। और आपको इसको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है क्योंकि मैंने यूज़ किया है, मुझे तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट लगा, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप लोग से ये शेयर किया जाए। इसलिए मैंने आप लोग के लिए भी ये फेस पैक बनाया है। आप लोग को मैं बता रही हूँ इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है। इसको यूज करने के बाद आपकी स्किन लाइट, ब्राइट, ग्लोइंग, स्मूथ, सॉफ्ट नज़र आएगी और आपकी स्किन में एक अलग ही शाइनिंग नज़र आएगी। तो ये फेस पैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आइए चलते हैं, वीडियो टिप्स आपको कैसे बनानी है ये फेस पैक मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चुकंदर की ज़रूरत होगी। उस एक चुकंदर हमें लेना होगा, उसको अच्छे से हम बारीक काट लेंगे, उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। उसका हमें जूस लेना है। चुकंदर का रस हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये हमारे दाग धब्बों को दूर करता है। चुकंदर में पर्याप्त मात्रा में आयरन, विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, स्किन पर गुलाबी निखार लाते हैं। तो चुकंदर हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसके बाद जो हमें लेना है, यहाँ पे हम लेंगे 2 चम्मच, हमें यहाँ पे मूंग की दाल लेनी है। हमने यहाँ पे मूंग की दाल ली है, खड़ी मूंग की दाल ली है, ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करती है, डेड स्किन सेल्स लेयर को ये बाहर निकालती है और ये हमारे स्किन को लाइट, ब्राइट, ग्लोइंग, स्मूथ, सॉफ्ट बनाती है। ये हमारे चेहरे से छाइयों को भी दूर करती है, दाग धब्बों को भी दूर करती है। इसके बाद जो मैंने लिया है यहाँ पे, हमने इसके बाद हमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल लेना है। सफ़ेद तिल हमारे फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये हमारे स्किन में जादुई असर दिखाते हैं। ये हमारे स्किन में दाग धब्बे, कील, मुहासे को भी दूर करते हैं, साथ ही साथ हमारे स्किन को लाइट, ब्राइट, ग्लोइंग। 4 से 5 बादाम यूज किए हैं। बादाम हमारे चेहरे को गोरा करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये हमारे स्किन से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, दाग धब्बों को रिमूव करते हैं। बादाम में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से पीस लेना है, मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है। हमने जो यहाँ पे चुकंदर का रस निकाला हुआ था उसको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद हमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करता है, डेड सेल्स के लेयर को ये बाहर निकालता है। 2 चम्मच हमें यहाँ पे नींबू का रस ऐड करना है। इसमें नींबू का रस मिलाना है, अच्छे से पेस्ट मिला लेना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के एक पेस्ट तैयार करना है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे स्किन से दाग धब्बे, छाइयाँ, झुर्रियों को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। 1 चम्मच यहाँ पर हमें हनी ऐड करना है, 1 चम्मच शहद लेना है और यहाँ पर हम 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारे चेहरे को गोरा, निखरा, बेदाग बनाती है। ये हमारे स्किन को, चेहरे को गोरा करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है। अब हमारे ये पेस्ट बनके पूरी तरह से रेडी हो चुका है। ये एक फेस पैक हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। हमारी स्किन में एक्ने है, पिंपल्स हैं, डार्क स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट है, झुर्रियाँ हैं, छाइयाँ हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ये फेस पैक आपकी स्किन को गोरा, निखरा, बेदाग बनाएगा, चमकदार बनाएगा। ये आपकी स्किन को लाइट, ब्राइट, ग्लोइंग, स्मूथ, सॉफ्ट बनाएगा।
तो ये फेस पैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा असर करता है, 100% नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये आप लगाने के बाद खुद ही देख पाएंगे आपकी स्किन में जादुई असर दिखाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेस पैक है। अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इस फेस पैक को लगाना कैसे है, आप लोगों को अपनी स्किन पे कैसे आपको लगाना है अपने फेस पे, ये मैं बताने जा रही हूँ। अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर आपने एक हफ्ते में अपने फेस में स्क्रब नहीं किया है तो आप पहले अपने फेस पे स्क्रब करें। स्क्रब करने के लिए आपको क्या करना है, एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेना है, उसमें आपको कोकोनट ऑयल मिलाना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद इस पेस्ट से आपको स्क्रब करना है अपने फेस पे 5 से 10 मिनट के लिए। जब ये स्क्रब हो जाए फिर आपको उसको अच्छे से धुल लेना है, अपने फेस को साफ कर लेना है। उसके बाद इस फेस पैक को अपने फेस पे लगाना है। आपको 20 से 25 मिनट के लिए इस फेस पैक को आपको अपने फेस पे लगाए रखना है, लगा लेना है। और जब ये पैक सूखने लगे, सूख जाए, तब आपको दूध लेना है, यानी कि मिल्क लेना है। मिल्क को अपने फेस पे लगा के स्क्रब करते हुए इस पैक को निकालना है। फिर आप देख पाएंगे आप इस फेस पैक को आपको कितना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप इसका देख पाएंगे। आपकी स्किन पे एक गुलाबी सा निखार आएगा, आपकी स्किन को लाइट ब्राइट ग्लोइंग स्मूथ सॉफ्ट बनाएगा। फेस पैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियो ट्राई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।